अलैकुम। आज मेरे हस्बैंड का मूड हो रहा है डिनर में चाइनीज़ चिकन एग नूडल्स खाने का मूड हो रहा है। अभी फरमाइश की है तो मैंने कहा बनानी तो वैसे ही है, क्यों ना वीडियो भी बना लूँ आप लोगों के साथ शेयर कर लूँ। इस जिस तरीके से मैं नूडल्स बनाती हूँ बहुत मज़ेदार बनते हैं, होपफुली आप लोगों को पसंद आएंगे। पहले मैंने 3 पैकेट्स ले लिए नूडल्स के, किसी भी कंपनी के ले लें। 3 पैकेट नूडल के लिए मैंने, और इसको उबलते हुए पानी में मैंने डाला और 1 चम्मच ऑयल डाला और उसमें मैंने इन्हें बॉईल कर लिया। आपने बहुत ज़्यादा इसको बॉईल नहीं करना है, थोड़ा सा ना रहना है, इसकी चिपचिपाहट नहीं हो इसमें। फिर जैसे इसको छाने, ठंडे पानी से एक बार इसके ऊपर ठंडा पानी गुजारे और फिर 1 चम्मच ऑयल लगा के छोड़ दें इसको। फिर मैंने मटर और आलू बॉईल किए 1 कप। आलू मैंने हाफ लिया था, मटर छोटा हाफ कप लिया है, फ्रोज़न मटर थे मेरे पास उनको बॉईल किया है। 1 प्याली मेरे पास चिकन है, चिकन को मैंने बॉईल कर लिया और जब बॉईल किया तो उसमें मैंने 2 क्लव्स गार्लिक के डाल दिए थे। पानी मैंने छान लिया और इसको ऐसे कर लिया। मज़ीद भी आप इसको बारीक कर सकते हैं। और एक अंडा लिया है मैंने, अंडा सिर्फ मैंने 1 लिया है क्योंकि सुबह नाश्ते में भी हम अंडे खा चुके थे सो फिर ज़्यादा हो जाता। मैंने जर्दी भी साथ यूज़ की, आप चाहें तो जर्दी यूज़ ना करना, जस्ट आप ना इसका वाइट पार्ट उसके छोटे छोटे पीस कर लेना, सही है। उसके बाद ये नूडल्स के अंदर जो मसाला होता है वो है, मसाला मैंने 3 पैकेट्स थे तो मेरे पास ऐसे 3 पैकेट्स थे नूडल्स में ना इस मसाले की, तो मैंने जस्ट 2 पैकेट यूज़ किए हैं क्योंकि इसमें बहुत नमक होता है। और जब मैंने चिकन और मटर आलू बॉईल किए इसमें मैंने नमक डाला था। फिर मैंने 1 टेबल स्पून भर के मैंने सिरका लिया है, सॉरी सोया सॉस, और 1 टेबल स्पून भर के मैंने लिया है सिरका, और 1 टी स्पून ब्लैक पेपर पिसी हुई, अगर आपके पास पिसी हुई है तो वो यूज़ कर ले, वरना मैं कुटी हुई यूज़ करें वो ज़्यादा अच्छी होती है। मेरे पास पिसी हुई थी सो मैं ये यूज़ कर रही हूँ। चलें स्टार्ट करते हैं। हाँ जी, पैन गरम हो गया है, इसमें हम ऑयल डाल दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑयल हमारे नूडल्स में भी है। अब इसी के साथ हम मटर डाल देंगे, चिकन डाल देंगे साथ ही, साथ में ये मसाला डाल देंगे। हम गैस पर कर रहे हैं। हाँ जी, इसको अच्छी तरह मिक्स करें। सिर्फ 1 से 2 मिनट बनाना है, पकाना है इसको, ज़्यादा कुक नहीं करना। इसी में ही मैं ऐड करूँगी ब्लैक पेपर, सिरका, सॉरी सोया सॉस, सिरका, एग, थोड़ा मिक्स करें। थोड़ा सा मैं इसमें सॉल्ट डाल लूंगी, थोड़ा सा। अब इसमें मैं ऐड करूंगी, सॉरी थोड़ा मिक्स कर लें इसको। अब इसमें ऐड करूंगी मैं नूडल्स, खोल लें इसको, जम गए हैं। इस पे दोबारा मैं पानी डालूं, अभी खोल जाएंगे ये, ऐसे हो जाएं तो इसको इस पे दोबारा पानी डाल दो फिर ये खुल जाएंगे, ऐसे ही करती हूँ मैं। हाँ जी, ये देखें ऐसे खोल खोल के डालते जाएं और मिक्स करते जाएं, ये देखें
बड़े अच्छे तरीके से मिक्स हो रहे हैं। ये देखेंगे क्योंकि काफ़ी टाइम से वो मैंने बॉईल करके रख दिए थे इसलिए वो जम गए आपस में ना, तो आप दोबारा उसको पानी में रखते हैं, उसके ऊपर पानी बहा दें तो वो खुल जाते हैं, मसला नहीं है। ठीक है, ये देखें जी बहुत मज़े की खुशबू आ रही है, बहुत अच्छे बन रहे हैं। इनको अच्छी तरह मिक्स कर लेना चाहें तो आप फॉक्स की मदद से भी इनको कर सकते हैं मिक्स, टूटे नहीं, मेरी शुक्र है टूट नहीं रही। चलिए अब मैं चूल्हा बंद कर दूंगी नीचे से और इसको ढाँप के रख दूंगी, 5 मिनट बाद खोलूंगी ताकि ये एक दूसरे का फ्लेवर इनमें आ जाए। डिश आउट करके आपको दिखाती हूँ। हाँ जी, डिश आउट कर लिया मैंने चाइनीज़ चिकन एग नूडल्स, होपफुली आपको बहुत पसंद आएंगे, ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत मज़ेदार बनते हैं, हम अक्सर बनाते रहते हैं, इसी मेथड से बनाएं, बहुत मज़ेदार बनते हैं। वीडियो मेरी पूरी देखें आप और लाइक करें, शेयर करें, मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में सजेशंस दें, फीडबैक देना नहीं भूलिएगा। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।